बताया कि आप बिल्कुल कैसे हेजिटेट नहीं जा करो। सकती है डॉक्टर डॉक्टर बैनर्जी, कैसे एक साथ जा सकती है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि चॉकलेट हेजिटेंसी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम इन्फॉर्म कंसेंट को बढ़ावा देते हैं। तो भाई इन्फॉर्म कंसेंट तो अपने आप में एक फिलॉसफी है ना, कि ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा जिनको तो चॉकलेट लेना है। अब जिनको चॉकलेट लेना है उनके ऊपर आप इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस चॉकलेट के इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद लेने वाला जो है वो तय करता है कि हम लें या ना लें। इसमें हेजिटेंसी कहां से आ गई? उन्होंने ऐसा टर्म बना दिया है कि थोड़ा भी अगर आप सोचोगे तो वो हेजिटेंसी हो जाएगा। मैं तो सोचता हूँ अभी कल बोलेंगे आप रास्ता क्रॉस करो बिगर दाएं बाएं देख के, अगर दाएं बाएं देख रहे हैं तो आप हेजिटेंट हो। तो अभी आप उन्होंने ऐसा माहौल ही ऐसा बना दिया है कि नॉर्मल थिंकिंग को उन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी जो कि एक कलंकित बना दिया है। मतलब ये जो और जो साइंटिस्ट अगर कुछ बोलता है तो उसको एंटी वैक्सर बना दिया है। तो ये इस टाइप का उन्होंने एक प्रकार से पहले से ही पूरा बना दिया है माहौल, एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा बना लिया है कि मोस्टली पीपल कैनॉट, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, दे हैव यूज्ड दैट ग्रुप साइकोलॉजी, मेजोरिटी पीपल कैनॉट स्टैंड अलोन फ्रॉम द ग्रुप। तो सब कुछ जा रहे हैं तो उसी इसमें उनको वैक्सीन निकालना है, डेस्परेशन है या वैक्सीन प्रॉफिट है, इनको भी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हैवी कमीशन लिया होगा, रेट्स रहते हैं इनके, तो इट इज बिकम अ बिग बिजनेस हो गया है। क्योंकि देखा जाए एक नया अगर पेन किलर भी निकलता है तो कोई नया ड्रग निकलता है तो खाली स्पेशलिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में ही मिलता है। अभी तो आप वैक्सीन बिल्कुल नया है, अनटेस्टेड है, उसके साइड इफेक्ट्स आने लगे, उसके बाद भी अगर पिज्जा वाला वैक्सीन बेचेगा या यूबर वाला बेचेगा तो इट इज़ टोटली इरिस्पॉन्सिबल, हाइएस्ट ये ऑफ मेडिकल मास मेडिकल नेग्लिजेंस बाई द मेडिकल फ्रेटर्निटी। नीलेश जी, नीलेश जी, अब डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई बियर आप दे रहे हो जिसको कोविड हो रहा है, उसको उसने अपना मान लीजिए चॉकलेट खा लिया है, इसका मतलब बियर तो किसी भी सूरत में वो चॉकलेट लेने के बाद भी आपके हेल्थ को बूस्ट नहीं कर रहा है। मेडिकल साइंस तो नहीं कह रहा है ऐसा कि बूस्ट कर देगा बियर लेने के बाद, और आप प्रमोट कर रहे हो कि बियर लो। अभी देखिए मैं पहले ना कुशवा जी का एक कंसेप्शन मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर करिए आप अपने कैमरे को, आप थोड़ा छिप गए हैं नीलेश जी। हाँ 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 आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए। तो जो देखिए एक जो लॉ है, लॉ बहुत सिंपल है। ऐसा एक मान के चलिए कि एक जहर है, पॉइजन है, पॉइजन कंपनी का पॉइजन बिक नहीं रहा, तो उसने क्या किया कंपनी ने, बैंक के लोगों को पकड़ा, पिज्जा वालों को पकड़ा, इनको पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बोलो आप ये जहर खरीदेंगे, आप जहर खाओगे तो हम आपको इतना देंगे। तो ये जहर को प्रमोट करने वाला भी उतना ही सजा का हकदार, एक चीज। दूसरा चीज, वो ये डिफेंस उनको नहीं रहेगा कि सरकार ने हमको बोला था प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो इसके प्रोविजन है आईपीसी में सेक्शन 52 हम आईपीसी बहुत क्लियर है, नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो आपने पूरा केयर कॉशन नहीं लिया, उसको वेरीफाई नहीं किया और उसने बोला और आपने प्रमोट कर दिया, तो वो सरकारी अधिकारी की सजा अलग है, ब्यूरोक्रेट की सजा अलग है। और ये जितने कंपनी प्रमोट करने वाले हैं, मीडिया चैनल है, एडीटीवी है, जो भी है, ये सब लोगों की सजा अलग है, सेम सजा है, मतलब मेन आरोपी की इतनी सजा इनको है। और तीसरी चीज, सीनियर ने ऑर्डर किया, अभी जो यहां पर सचिन वाजेगा वगैरह जो केस चल रहा था मुंबई में, कोर्ट ने ये बोलकर ही उनका बेल रिजेक्ट किया। अरे सीनियर, तुमको फॉलो क्या करना है, लॉफुल ऑर्डर ऑफ द सीनियर ना। तो तुम्हारा सीनियर अगर तुमको कहेगा जाकर किसकी लड़की किडनैप करके लाओ, मुझे देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ाना है, तो तुम क्या लेकर आओगे उसको, बोलेगे कि मेरे सीनियर ने बोला, उसका सैलरी मिलता था तुमको। तो ये जो बातें हैं, ये डिफेंस नहीं चलेंगे उनके कोई भी, ये एक मुद्दा हो गया। और डॉक्टर बैनर्जी साहब ने मतलब बहुत सिस्टमैटिक कहा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं उसको कॉस्मेटिक्स ड्रग्स एक्ट में, कि आप झूठ बोलकर कोई भी ड्रग का प्रमोशन करो तो आपको वो आदमी की जान गई तो वो जो मर्डर के चार्जेस लगेंगे वो अलग, लेकिन इसके भी प्रोविजंस है, उसमें भी
जस्ट प्रमोशन के लिए झूठा झूठ बोल के प्रमोशन करना। अगर मैं कहूँ कि ये टीका से आपको ये बीमारी नहीं होगी, तो ये झूठ बोल के प्रमोशन करने की सजा 2 साल अलग से। तो ये मतलब किसी भी एंगल से, आइदर इथिकली और लीगली, दोनों एंगल से इसको ये डिफेंसलेस है। नो वन कैन डिफेंड दैट इनडिफेंसिबल। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप लोग जो ये बोल रहे हैं, इससे बिल गेट्स को क्या फायदा है? बिल गेट्स के फायदे के लिए कौन बोल रहा है? पत्रकार है, बहुत नामी पत्रकार है, उन्होंने हमसे पूछा है कि आप लोग जो ये कर रहे हैं कि बिल गेट्स ऐसा कर रहा है, बिल गेट्स ऐसा कर रहा है, तो बिल गेट्स को क्या फायदा है? इज ही मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? अभी सबसे पहली बात, उनका सब में शेयर तो उनका है ना, जो एस्ट्राजेनिका है ये उनका ही है ना ब्रांड, जो इंडिया में कोविशील्ड है, और उनको अपना डॉक्टर स्नेहल उरावत के डेथ के केस में पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 2 बोलकर पार्टनर इन मैन्युफैक्चरिंग द कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बोलकर कोर्ट का नोटिस आदर पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट ने रिसीव किया है, उसमें वो नाम से कोर्ट ने नोटिस भी निकाला है, और उन्होंने वो नोटिस को, एक बात ऐसी है कि उन्होंने वो पिटीशन को डिस्प्यूट नहीं किया है, नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, और हाईकोर्ट ने उनको जो नोटिस भेजा था उसमें क्लियर लिखा था कि अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो आपके खिलाफ में एक्स पार्टी चलाया जाएगा, रूल है कि आपको सारे आरोप मंजूर है, ये समझ कर अभी कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो ये स्टेज उनके लिए तो आ गई है। इवन आदर पूनावाला ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसकी एक वकील अपीयर हुए है लेकिन उन्होंने भी रिप्लाई नहीं दिया, लास्ट डेट थी उनकी रिप्लाई की, वो डेट चली गई, कोई एक्सटेंशन भी नहीं मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो उसको वो कैसा प्रॉफिट कमा रहा है और खुद के प्रॉफिट के लिए लोगों की जान ले रहा है, ये तो एफिडेविट में कोर्ट में लिख कर दिया है, पहले भी दिया है, और अभी नया जो आदर पूनावाला के खिलाफ नया 340 लगाया है उसमें भी लिख कर दिया है, उन्होंने तो कहीं डिस्प्यूट नहीं किया है। तो जो ये पत्रकार जो कह रहे हैं कि बिल गेट का क्या फायदा है, तो उनको एक थोड़ा सा आपके 2-4 शो ज्यादा देखने की जरूरत है, या तो फिर ये पढ़ लो 340 का जो एप्लीकेशन लगाया आदर पूनावाला को अरेस्ट करने का, उसमें पूरा दिया है कि बिल गेट कैसा इन पूरे माफियाओं का किंग पिन वही है, और उसको सिंपल वर्ड में बताओ ना, तो बिल गेट तो एक्चुअल में सुपारी लेता है, वो खुद तो इन्वेस्ट करता ही है, बाद में सुपारी लेता है, और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन की तरफ से अपने सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा खिलाकर नेशनल प्रोग्राम में ये वैक्सीन टीके ऐड करवाता है, और इनके सपोर्ट के सर्कुलर ऑर्डर निकलवाता है, ये उसका समरी है। और पत्रकार महोदय ने मुझे ये भी कहा कि वो तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, टॉक्सिक फिलैंथ्रोपिस्ट है, आधा वर्ड खा गए वो, टॉक्सिक फिलैंथ्रोपिस्ट।